देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मध्यान साधना में आप सबका स्वागत है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड से जुदा कर दे। वो हर सोच, वो समस्त विचार जिनसे घिरे रहे आप, जो आपको कभी आर्त कभी रोद्र ध्यान में ले गए, जो आपको मिथ्यात्व के वेग में बहाकर ले गए, हे जीवात्मन, ऐसे विचारों से भी स्वयं को मुक्त कर दो। वर्तमान समय में 3.5 हाथ की इस काया में अपने जीव तत्व को देखो। जीव जिसका मन नहीं, बुद्धि नहीं, जहां विचार नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, दुखी होने का जीव के पास कोई कारण नहीं, और जीव स्व में ठहर गया और अनंत सुख का अनुभव न करे, ये संभव नहीं। हे आत्मन, पूरा दिवस भर, पूरा जीवन, सोते उठते बैठते जगते, भोजन करते, धन कमाते, संसार चलाते, व्यवहार निभाते, हर समय आप किसी न किसी विचार में उलझे रहे। एकांत में अकेले बैठे तब भी विचारों का प्रभाव आप पर बना रहा। भीड़ में गए तब भी विचारों में बहते चले गए। विचार आपको भूत और भविष्य में ले गए, संकल्प विकल्प में ले गए। हे आत्मा, विचार मन में भरे, जो कुछ इंद्रियों के विषय आपने भोगे, वो विचार बनकर मन पर पड़ गए। अब से पूर्व जितने विचार विचारे, अच्छे बुरे सही गलत, सबको बस रखकर अपने जीव तत्व में आ। ये समय आप भूतकाल में नहीं जाएंगे। भूतकाल में जो कोई घटना घटी, जहां कहीं घटी, सम्मान की घटी या अपमान की घटी, देहिक सुख की घटी या देहिक पीड़ा की घटी, लाभ की घटी या हानि की घटी, उसे बसरा दो। भविष्य में और वर्तमान में, भूत में घटी किसी घटना का मैं चिंतन नहीं करूंगा। वो अतीत था, वहां आर्तरुद्र कर लिया। अब वर्तमान में और भविष्य में, अतीत में घटी किसी घटना को लेकर मैं आर्त और रुद्र नहीं करूं। ध्यान का अभिप्राय आंखें बंद करना नहीं,
ध्यान का अभिप्राय विचारों से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय संस्कारों से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय मान अपमान से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय अपने शाश्वत स्वरूप को समझ और उसमें ठहर जाना। हे आत्मा, अपने स्वरूप को जानो, जिस स्वरूप को भूल कर तुमने अभी तक अनेकों अनंत कर्म बांध दी, अब उस स्वरूप को महत्व दो, जिस स्वरूप को महत्व देने से तुम सत्ता में पड़े अनंत कर्म क्षय कर दोगे, उस स्वरूप को महत्व दो। देह में हो पर हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को अपने आप से जुदा जानकर, इसे महत्व न देकर अपने निराकार को, अपने जीव को महत्व दो। हो करके कुछ नहीं विचारना और सहज रूप से जो विचार आए उन्हें महत्व नहीं देना। जब आप अपने जीव में ठहर जाएंगे, विचार अपने आप गौन होने लगेंगे। अधिक विचार आने लगे तो वर्तमान में आने वाली श्वास प्रश्वास को देख लेना। और अधिक विचार आने लगे तो श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ देना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान अपने जीव में ठहर कर देखो। तुम्हें अनुभव होगा उस सुख का जो सुख केवल ही जी रहे हैं। जिसने विचारों को गौन करना सीख लिया, जिसने निज में ठहरना सीख लिया, वो यात्री निश्चित रूप से आत्म अनुभूति कर पाएगा। वो यात्री निश्चित रूप से अनंत सुख का अनुभव कर पाएगा। अपने भीतर आ, भीतर गहरी ठहर जा। मन बुद्धि इंद्रियों से पार अपने अस्तित्व में ठहर जा।
देह से आत्मा तक पहुंचना है, व्यक्तित्व से अस्तित्व तक पहुंचना है, असत्य से सत्य तक पहुंचना है, भूत भविष्य से वर्तमान में आना है, क्रिया से अक्रिय होना है, पौद्गलिक सुखों को छोड़कर आत्म सुख का अनुभव लेना है, जहाँ अति अनिवार्य लगे वहाँ आप कोई आलंबन ले सकते हैं, उपयोग लगा सकते हैं। यदि मन शांत है, शून्य है, किसी उपयोग की आवश्यकता नहीं, फिर आप जीवात्मा हैं, इसी सत्य में बने रहे। विचार विचारने के संस्कार जो पड़ गए, उन संस्कारों का खंडन कर निर्विचार स्थिति को जी कर देखो। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, मैं किसका विचार करूँ, कोई पुद्गल मेरा नहीं हुआ, किसी पुद्गल पर मेरा शाश्वत अधिकार नहीं। मौजूद निवास स्थान भी छूट जाएगा, छूटने वाले का ही जीवात्मन अब विचार नहीं कर। हर समय चलने वाले इन विचारों पर विश्राम दो।
जीव जब निज में ठहरता है, वहां आत्मशक्ति के आगे मन की शक्ति तुच्छ होने लगती है। आत्मा अनुभूति के आगे विचारों का वेग अपने आप रुकने लगता है। आवश्यक है जड़ चेतन का भेद कर अपने निज चैतन्य में ठहर जान। आप आत्मा है, आपको अपना ध्यान बना रहे। अपने सत्य का ध्यान बना रहे, आपकी स्वस्थिति बनी रहे। आप जीवात्मा है, अपने में स्थित रही। ये स्थिति मात्र ध्यान के अंतर्गत नहीं, ध्यान पूर्ण होने के पश्चात भी। हे जीवात्मन, अब अपने सत्य को महत्व देना। स्वस्थिति का समय बढ़ता चला जाए। आप अकेले में हो या हजारों के मध्य हो, आप भूत और भविष्य में नहीं जाएंगे। जो भूत में घट गया उसके विचारों में बहकर वर्तमान को आर्त और रुद्र से नहीं जोड़ेंगे। भविष्य में क्या होगा वो आप नहीं जानते। आपकी व्यर्थ की कल्पनाएं आपका वर्तमान बिगाड़ रही हैं। मैं जीवात्मा हूँ। कर्म देह पर से कर्म निकल कर जो भी कर्म जब भी कितना भी हल्का भारी बन उदय में आए, मैं सब स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैंने तब तब अस्वीकारा जब जब मुझे मेरा होश नहीं था, मुझे मेरे अस्तित्व का होश नहीं था। अपने को जानकर भी यदि कर्म के उदय पर मैं आर्त और रुद्र ध्यान करूं तो मेरी अज्ञानता है। हे आत्मन, तुमने तुम्हें जाना है, तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को जाना है। भले एक समय मात्र के लिए तुमने अपना अनुभव किया है, यही अनुभव तुम्हारा बढ़ता चला जाए। संसार का जितना चिंतन करोगे तुम्हारा मिथ्यात्व बढ़ेगा, तुम्हारे कर्म बढ़ेंगे। संसार का चिंतन छोड़ दो,
देह का चिंतन छोड़ दो, कर्म के उदय का भय छोड़ दो, अपने आप में आओ, इस देह प्रमाण में आप शुद्ध आत्मा है। आपका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, आपका कोई लिंग नहीं, आपकी कोई आयु नहीं, आप शुद्ध आत्मा है। ये स्मरण बना रहे, ध्यान पूर्ण होने के पश्चात भी आपको आपके सत्य का ध्यान रहे, आप शुद्ध आत्मा है। हे आत्मन, पुनः साधना हो तब तक पुनः पुनः सत्य का ध्यान करते जाना। भूत में घटे किसी घटना को महत्व न देकर, भविष्य की समस्त कल्पनाओं को बस रखकर, वर्तमान की स्वस्थिति बढ़ाते जाना। विचारों के दृष्टा बनकर, निजात्मा को महत्व देकर, कुछ समय विचार शून्य होकर रहना। आप 12 तप करते हैं, परंतु यदि विचारों से मुक्त नहीं हुए, विचार शून्य अवस्था नहीं आई, तो ये तप धर्म ध्यान तक रह जाएंगे, आत्मा अनुभूति नहीं होगी, अनंत सुख का अनुभव नहीं होगा। हे आत्मा, विचारों को बढ़ाना नहीं, विचारों के वेग में बहना नहीं, विचारों में उलझना नहीं, किसी विचार को महत्व देना नहीं। जहां विचार आने लगे, बंद आंखों से, खुली आंखों से भोजन करते या अन्य कोई देह क्रिया करते, वही जड़ चेतन का भेद कर निज चैतन्य में स्वयं को स्थित करके देखना। आप जीवात्मा है, आप में अनंत सुख है, ये सुख बढ़ता चला जाएगा, सुख का ये अनुभव बढ़ता चला जाएगा। जब देह की पकड़ छुटेगी, जब विचारों की पकड़ छुटेगी, जब व्यक्तित्व की पकड़ छुटेगी, तुम्हारे अस्तित्व का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। वहां आएगी विचार शून्य अवस्था, वहां आएगी अक्रिय स्थिति। हे आत्मा, अब सारा पुरुषार्थ इस ओर हो, आपका विवेक इस ओर हो, फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे, दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श, जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। अभी आप सभी ने आत्म ध्यान साधना की, आनंद शांति का अनुभव निश्चय आया होगा। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसी, वीतराग साधिका निशा जी का अथक प्रयास। यदि आपकी श्रद्धा है इस साधना पर, तो निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने क्या किया, विचार करें, अनादिकाल से ये जीव आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। उसका मूल कारण
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जो सत्य नहीं, सत्य है आत्मा, उस आत्मा पर सत्य ना करते हुए मन पर, विचारों पर, बुद्धि पर हम विश्वास करते रहे और मन के वेग में बहते रहे। हमने अनादि काल से जिस गति, जिस योनि में गए उसको हमने अपना माना, उस विचार में, उस गति में, उस संबंधों में बह गए। देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप भूत भविष्यत में जा रहे हैं, आप विचारों में जा रहे हैं, तो वो साधना पूरी नहीं हो सकती। अपने विचारों को विराम दीजिए। आपका मन कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्यत में ले जाता है और घूमता रहता है। मन घूमेगा तो विचार आपके शांत नहीं होंगे। इस साधना में चाहे आप भूतकाल के विचार कर रहे हैं या भविष्यत के कर रहे हैं, उसको विराम दे करके केवल वर्तमान क्षण में आ जाइए। वर्तमान क्षण, जो वर्तमान क्षण आपको सुख शांति समृद्धि से भर देता है। मन आपको संकल्प विकल्प में ले जाता है। मन के पीछे नहीं चलना, बुद्धि के निर्णय को नहीं मत देना। अनादि काल से हमने अपने बुद्धि के निर्णय को महत्व दिया, मन को महत्व दिया। मन जहाँ ले गया वैसे हम चलते रहे और सुख ढूंढ रहे। वो सुख नहीं था, सुखाभास था। तो सच्चा सुख क्या है, आप स्वयं अनुभव किया आपने? सच्चा सुख आपके पास था, है, रहेगा। वो आपके शुद्ध स्वरूप में है, वो आपकी चेतना में है, वो आपकी आत्मा में, वो आपके होने में है, वो आपके बीइंग में है, वो आपकी चेतना में है। निज आत्मा का ध्यान, ये साधना आत्म ध्यान की साधना, निज की साधना है, अपनी साधना है। विचारों के वेग में बह जाना, कोई मंत्र तंत्र यंत्र कर लेना, वो ये साधना में कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं, केवल भेद कर दो। भेद विज्ञान की साधना, देह और आत्मा, जीव और अजीव का भेद। अनादिकाल से ये जीव अजीव में स्थित रहता हुआ 484,00,000 जीव योनियों में भ्रमण कर रहा है। इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। भेद देह और आत्मा दो तत्व है, भेद विज्ञान। जब आपको लगे विचार आ रहे हैं तो मन को और बुद्धि के निर्णय को महत्व नहीं देना, वर्तमान क्षण में आ जाना। आपको बताया गया, कहा गया कि केवल जब आपका मन शांत होने लगे या कोई विचार उठने लगे तो क्या करना, केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना ये आत्मा का निज गुण है, ये हमारा स्वभाव है। यदि आप अपने दृष्टा भाव में हैं, ज्ञाता भाव में हैं, जानने और देखने में हैं, तो निश्चित आप धर्म में हैं और धर्म से शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप देखोगे और जानोगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। ये एक टेक्निक है। वर्तमान क्षण में अपने आते जाते श्वास को केवल जानो और देखो। देखने में साधारण लगता है कि हमने तो जानते हैं श्वास हमारा है। हम कहाँ जानते हैं, हम 24 घंटे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, परंतु अपने ही श्वास का पता नहीं। यदि आप शांत चित्त से देखें और जानें, श्वास आ रहा है और जा रहा है, वर्तमान क्षण में आ जाइए। ये श्वास आपको वर्तमान क्षण में लेके आता है और आप शांत होते हैं। भूतकाल भविष्यत काल टूटता है और मन के संकल्प विकल्प से आप अलग हो जाते हैं और वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। यदि इससे भी आपका मन शांत नहीं होता तो आपको कहा गया, बताया गया कि सोहम। सोहम की साधना भी बहुत गहरी है। ये शब्द वही हैं, परंतु जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। सोहम की साधना अभेद की साधना है, पहले भी आपको बताया गया था। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की साधना। सोहम का अभिप्राय क्या है? सो यानी वो आत्मा। वो आत्मा शरीर बदलते हैं, देवात्मा, मनुष्य आत्मा, त्रेंच की आत्मा, पशु पक्षियों की आत्मा, नरक के नेरियों की आत्मा, उनके देह को महत्व नहीं देना। सो वो जो आत्मा है देव की,
मनुष्य की, पशु पक्षियों की, नरक के नेरियों की, या अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधुओं की, वो मैं सो और हम, मैं हम केवल मन ही मन सो हम, सो हम। ये केवल मंत्र नहीं है, ये अभेद दृष्टि है, और जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे। और इस साधना को जैसे अब आधे घंटे घंटे का ध्यान करते हैं, इसके बाद भी ये साधना 24 घंटे की साधना है आपकी। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप चल रहे हैं, तो मन आपको कहाँ लेके जाता है? देखिए, मन रुकता ही नहीं, बुद्धि रुकती नहीं, निर्णय के विचार चलते रहते हैं और हम उसमें घूमने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। व्यक्ति माला करता है, प्रार्थना करता है, पाठ करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान भी करता है, सब कुछ करता है, पर मन का वेग रुकता नहीं। इस साधना में प्रभु ने बहुत कृपा की है कि मन को कैसे नियंत्रण करें, मन को कैसे साधें। बहुत सिंपल टेक्निक है, बड़ी वैज्ञानिक है ये साधना, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है कि आपका ही मन, आपका ही श्वास को देखते रहें या सोहम पर आ जाएं, और धीरे धीरे जैसे आप शांत हो गए, शांत होने का अर्थ आप अपने स्वभाव में आ गए, अपने स्वभाव में आते हुए आप अपनी चेतना में आ जाते हैं। जब आप चेतना में आ जाते हैं तो स्वयं में स्थित हो जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं, वो क्षण आपके अपने, वो आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव तुम्हारा अपना, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, परंतु हमने विचारों को, बुद्धि के निर्णय को बाहर घूमते रहे, देखते रहे और वो पा नहीं पाए। तो सच्चा सुख, सच्ची शांति जीवात्मा में है, आपके भीतर है, आनंद आपके भीतर है, शांति आपके भीतर है, ज्ञान आपके भीतर है, वो जीव का निज गुण है। और उसके साथ यदि आपको लगे तो आत्मा के निज गुणों का चिंतन करते रहें। चिंतन किसका करना है? अपनी आत्मा के निज गुणों का, और इसके बाद चिंतन भी छोड़ देना है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है और स्थित होकर के ठहर जाना है। जैसे जीव आत्मा अपने में ठहर जाता है तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आ जाता है, और शुक्ल ध्यान में अनंत कर्मों की निजरा होती है। इतनी गहरी विधि और इतनी सिंपल विधि, और कुछ करना नहीं, परंतु आपकी श्रद्धा से इस साधना को स्वीकार कर लोगे तो निरंतर निरंतर करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जीव आत्मा स्थित रहना, श्रद्धा जीव पर करना, श्रद्धा हमने आज तक पुद्गल पर, अजीव पर, मन पर, बुद्धि पर, धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर की है। धन बल, पद बल, यश बल, प्रतिष्ठा, उसको महत्व दिया, परंतु एक आत्मबल, आत्मबल को महत्व दो। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मबल को साधना दी। ये आत्म साधना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपको निश्चित रोग वियोग से दूर करके आत्म अनुभूति की ओर ले जाएगा। देखिए, कभी जीवात्मा को, इस मनुष्य को रोग आता है और कभी रोग चला जाता है, कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, कभी संयोग आते हैं, वियोग आ जाते हैं, उसमें उलझना नहीं। ये तो पुण्य पाप का खेल है जो आपने पहले जन्म में किया और आप कर रहे, उस जन्म में आप करते चले जा रहे हो। इसको छोड़ करके जो घटना घट रही है इसको घटने दो, आप केवल अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाइए। शुद्ध स्वभाव में आते ही आपका मन शांत हो जाता है, शांत होने पर आप सहज स्थिति में आके निर्विचार निर्विकल्प मौन हो जाइए। परमात्मा आनंद रूप है, कहाँ भी गए आनंद रूपम परमात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम आनंद रूपम परमात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभाव लीना
निवसन्ति नित्यं सैवावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं। परमात्मा कैसा है? आनंद रूपम परमात्म तत्त्वम। आत्मा परमात्मा जब बनती है तो आनंद रूप होती है। आनंद रूपम परमात्म तत्त्वम। और आनंद कब आता है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान कोई संकल्प विकल्प नहीं करते, सदैव अपने स्वभाव में स्थित रहते, एक समय भी इधर उधर नहीं जाता, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते, परंतु अपने में स्थित रहते। और ये साधना हम स्वयं स्थित कैसे हो जाएं? माना कि इस काल में आप पूरा स्वयं स्थित नहीं रह पाएंगे, परंतु धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक घंटे के ध्यान में 10 मिनट 15 मिनट जरूर आप स्वयं स्थित होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं, आपने जाना ध्यान केवल आंखें बंद करके नहीं, ध्यान 24 घंटे का, ध्यान विवेक में है, ध्यान आत्मरमन में है, ध्यान आत्मचिंतन में है, ध्यान जीव और अजीव के अभेद करने में है। अभेद को छोड़ दीजिए और भेद में स्थित हो जाइए। और भेद अभेद कब करना है? जब आप संसार में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके रूप को रंग को उसके बाहर के शरीर को महत्व नहीं देना, उसके भीतर जो चेतना है आत्मा है, अभेद दृष्टि में आना, भेद से अभेद और अभेद से भेद, भेद से अभेद और अभेद से भेद। इस साधना आप करोगे तो आपको कर्म नहीं लगे, कर्म क्षय होते चले जाएंगे, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस साधना को अपने जीवन में अपनाइए। और जब आपका मन ना लगे तो श्वास सोहम को सहारा लीजिए। तो मैं कह रहा था आनंद रूपम परमात्म तत्त्वम। परमात्मा कैसे आनंद रूप है? आप भी आनंद रूप हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है और आपके पास है। बाहर सुख है ही नहीं, सुख भीतर है। समस्त संकल्प विकल्प, जैसे जैसे आप देखिए आपका मन शांत होता है, संकल्प विकल्प दूर होते हैं, तो शांति भीतर उतरने लग जाती है। तो आगे समस्त संकल्प स्वभाव लीना निवसंति नित्यम। जो योगी जन है, जो केवली भगवान है, स्वभाव लीना वो अपने स्वभाव में, निज स्वभाव में, निज रूप में, निज चेतना में निवसंति रहते हैं, यानी निवसंत। जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। योगी जन अपने तत्व में जानकर, अपने में स्थित होकर के आनंद प्राप्त करते हैं। और ये साधना इस श्लोक के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। आनंद रूपम परमात्म तत्त्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसंति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम। यदि आपने कुछ जानना है तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आज विज्ञान ने इतनी खोज कर ली, परंतु सुविधा मिल गई, परंतु शांति खो गई, आनंद खो गया, प्रेम खो गया, मैत्री खो गई। तो आपके भीतर है, अपने स्वरूप में ठहर करके ये आत्म ध्यान साधना, केवल अपने स्वरूप को जान करके, भेद ज्ञान करके, भीतर स्थित होकर के आपको अनंत ज्ञान और शांति का प्रभाव मिलेगा। हम सुख ढूंढ रहे हैं बाहर। आप देखिए, क्या सुख भोजन में है, क्या सुख संगीत में है, क्या सुख भ्रमण करने में है, क्या सुख विदेश जाने में है, क्या सुख सुविधाओं में है, क्या सुख बाहर की यात्रा करने में। वो सुख नहीं है, वो इंद्रियों का सुख, थोड़ी देर का सुख, सुख नहीं फिर सुखाभास खड़ा हो जाता। सुख आपके भीतर है। कब है? जब आप शांत होकर के आनंद में अपने भीतर आते हैं, संकल्प विकल्प से हट करके सुख आपके भीतर है। सच्चा सुख जो अरिहंत परमात्मा ने, भगवान महावीर ने, वर्तमान तीर्थंकर
सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से जो साधना हमें मिली, आपको मिल रही, आप अनंत भाग्यशाली हैं। इस साधना विधि को जो आपको मिल रही है, इसको साधारण मत समझ लेना, ये बहुत गहरी साधना है। निष्ठा से, श्रद्धा से, यदि श्रद्धा है आपके भीतर है, सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा किसके प्रति करना? श्रद्धा अपने पर करना, अपनी आत्मा पर श्रद्धा करना। और ये साधना आत्मा के गुणों को प्रकट करने की साधना है, अपने में स्थित होकर के रहने की साधना है। तो जैसे जैसे आप अपने गुणों को प्रकट करते चले जाएंगे, ये साधना में आते चले जाएंगे, सच्चा सुख, सच्ची शांति आपको निश्चित निश्चित मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपको परमात्मा ने बताया कि आप ध्यान में बैठ गए, विचारों का वेग आने लगा, विचार बढ़ने लगे, विचार आते हैं तो रुकना नहीं, मंत्र का सहारा नहीं लेना, केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हर विचार को जानो और देखो। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हम विचारों से संघर्ष करने लग जाते हैं, हम मन के पीछे लग जाते हैं, हम मन को, यदि मन नहीं लगता उठ जाते हैं, मन तो लगता नहीं, क्या करना ध्यान करके। मन को लगाना ही नहीं, ये ध्यान साधना मन की मौत, बुद्धि की मौत, संस्कारों की मौत, देह की मौत, मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा से पार जा करके अपने सहज स्वरूप में स्थित होना। कठिन है परंतु असंभव नहीं है, यदि आप प्रयास करते रहे, आपकी भीतर की जागरूकता विवेक बढ़ता चला गया और आपकी भीतर की शांति बढ़ती चली गई, तो निश्चित निश्चित इस साधना से आप आगे बढ़ोगे। और इसको अपने तक सीमित मत रखिए, अपने मित्रों तक और अपने घर में, जहाँ भी आप बैठे, सुबह उठ करके आप ध्यान कीजिए, बच्चे ध्यान करें, वृद्ध ध्यान करें, बहनें ध्यान करें, भाई ध्यान करें, विद्यार्थी ध्यान करें। इस महामारी में जो फैल रही है, ये आपकी महामारी दूर हो जाएगी, आपको अनंत शांति मिलेगी, क्योंकि रोग शरीर को आता है, आत्मा को कोई रोग नहीं आता। आत्मा निरोगी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है, आत्मा अजर अमर है। रोग शरीर को आते हैं, चले जाते हैं, शरीर का रोग रोग नहीं होता। आत्मा में जब आप स्थित हो जाते हैं तो कितना ही रोग आए आप चले जाते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठे तो हो सकता है आपका शुरू शुरू में मन ना लगे, खुजली आए, बेचैनी हो, मन न लगे, उसके उपाय आपको बता दिए गए हैं। एक आसन में स्थिर होकर के केवल सहज स्वाभाविक श्वास के साथ, सोहम के साथ, आत्मगुणों का चिंतन करते हुए उसमें डूब जाए और थोड़ी देर के लिए शांत होकर के, निश्चित शांत होकर के अपने आप को देखिए। जैसे ही आप शांत होंगे, निर्विचार होंगे, निर्विकल्प होंगे, मन बुद्धि के पार होंगे, तो शांति भीतर प्रकट होने लग जाएगी। विचार आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, शांति नहीं मिल सकती। संकल्प विकल्प में साधना नहीं होती, शांति निर्विकल्प अवस्था में है। और आत्मा निर्विकल्प है, जैसे कहा गया आनंद रूपम, संकल्प विकल्प से दूर होकर के आप स्वयं में जब स्थित हो जाते हैं, तो स्वयं में स्थित होने की ये सुंदर कला है आत्म ध्यान साधना, आपके जीवन को निर्माण करेगी, आपके भविष्य की उज्ज्वल करेगी और आपकी सारी चिंताओं को दूर करके आप स्वस्थ। पर केवल यदि आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा होना किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति, अपने जीव के प्रति। दो तत्व हैं, जीव और अजीव। मूल्य जीव का है, मूल्य आत्मा का है, मूल्य चेतना का है, मूल्य निर्विकार अवस्था का है, मूल्य आनंद का है। तो अजीव अवस्था में जाकर के भौतिक सुखों को रह करके हम सुख नहीं मिल सकता। सुख आपके भीतर था, है, रहेगा। अनंत कृपा बरसी है हम सब पर, इसको आप आगे से आगे स्वयं कीजिए। एक बार नहीं, सुबह उठ करके कीजिए, रात को विश्राम करते हुए जब आप आते उस समय कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, आधा आधा घंटे से शुरू कीजिए, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा ध्यान कीजिए। तो आप कुछ बताई गई है साधना, देखिए निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में सच्चा आनंद,
सच्ची शांति मिल जाएगी और स्वयं ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ गया तो स्वयं परमात्मा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आवश्यकता है एक स्थान पर बैठ करके, अपने स्थिर होकर के, अपने में लीन होकर के, जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में स्थित होकर के। जीव में स्थिति नहीं आती क्योंकि मन भागता है, बुद्धि भागती है, जन्मों जन्मों के संस्कार हमको वहाँ ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए दृष्टाभाव, ज्ञाता दृष्टाभाव में आकर के अपने में स्थित होकर के प्रयास करते रहे, निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। अब आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान और मंगल पाठ। आंखें बंद रखते हुए सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। वो आत्मा, वो चेतना जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो तुम हो। ये आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक निराकार का ध्यान कीजिए। आकार का ध्यान नहीं, निराकार का ध्यान। जो भी देह है, जो प्रतिमा है, जो भी आप करते हैं उसको छोड़ करके निराकार में आ जाइए और आंखें बंद करके सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। सहज शांत स्वभाव में बने रहे। भेद कर दीजिए, देह और आत्मा का भेद, जीव और अजीव का भेद। तो हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे, आंखें खोल लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोए सब साहूनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग संति, जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा,
चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भवे प्राण उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए हरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी शासनपति भगवान महावीर स्वामी सभी समक्त आत्माओं की जय।